نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز مشائخ علماء کرام محترم معتکفین و معتکفات اور جملہ حاضرین آج دو تین چیزیں ضروری ہیں جو جن پر میں تاکیداً اور تلقیناً زور دینا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلی بات گوشہ درود سے متعلق اور دوسری تحریک اور مشن کے ساتھ اپنی وابستگی باقاعدہ رفاقت کی صورت میں حاصل کرنے سے متعلق. ہر سال کئی ہزار کی تعداد میں لوگ دوران اعتکاف رفاقت نئی رفاقت لیتے ہیں. تیسری بات اسی سے آغاز کر لیتا ہوں. یاد رکھ لیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے کہ علم والے علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر علم رکھنے والوں کے لیے اگلی شرط یہ کہ علم نور کا باعث نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ عمل صالح اور تقوی اور طاعت گزاری شامل نہ ہو, اللہ کی طاعت اور پرہیزگاری شامل نہ ہو. ہمارے خطہ میں برے صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اہل سنت میں ویسے یہ صورتحال اہل تشیع میں شیعہ حضرات میں اہل سنت سے بھی زیادہ بری حالت, اور وہ ہے علم سے تعلق کا ٹوٹ جانا, پڑھنے کا شغف نہ رہنا. بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جس عقیدہ اور مسلک سے آپ کا اور امت کی بھاری اکثریت کا اور پاکستان بلکہ پورے سرزمین ہند کی بھاری اکثریت کا تعلق ہے, جو سواد اعظم ہے, اس پر بہت بڑا المیہ اس وقت یہ طاری ہے کہ علم کا شغف زندگی سے ختم ہو گیا. یہ بات بڑے دھیان سے سنے, تین باتیں اب ہو گئی, ایک شغف علم کی, ایک درود پاک اور گوشہ درود کی,
और एक बाकायदा मिशन में रफाकत की। आपको मैंने हदीस सुनाई और औलिया अल्लाह का ये फरमान कई बार दोहराया कि बदतरीन आलिम वो है जो उमरा और हुक्काम के दरवाजे पर पाया जाए। आलिम अगर हाकिमों के दरवाजे पर जाए तो उसकी बदबख्ती है। हाकिम अगर अहले इल्म और अहले फ़क्र या अहलुल्ला के दरवाजे पर आए तो उसकी सआदत और नेकबख्ती है। अगर वो सआदत नेकबख्ती और कोई हिदायत लेने के लिए आए, डिपेंड करता है कि आने वाला क्यों आया, किस गरज के लिए आया। मगर नियतों पर हम गुफ्तगू नहीं करते, सिर्फ इतनी बात पे करते हैं कि दीन की इज्जत इसमें है कि अहले दीन दुनियावी हुक्मरानों के दरवाज़ों पर न जाएं, वो सोबार आएं, वो सोबार आए। जहां दुनियावी हुक्मरानों के दरवाज़ों पर जाना अहले दीन के मनसब के खिलाफ है, वहां कोई आए आपके दरवाजे पर, अहले दीन के दरवाजे पर, उनको मना करना भी मनसब के खिलाफ। आका अलैहिस्सलाम ने पूरी हयात तय्यबा में जिसने भी आका की बारगाह में आने के लिए किसी भी इरादे से, किसी भी नियत से इजाजत चाही है, आका अलैहिस्सलाम ने 63 बरस की उम्र में और पूरे 23 बरस की उम्र मुबारक में जो बेसब की जिंदगी, किसी को ना नहीं की, किसी को। और ना सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन ने ऐसा किया, ना इम्मा अतहार अहले बैत ने ऐसा किया, ना औलिया अल्लाह ने ऐसा किया। अहलुल्लाह में से किसी ने, जिसने इजाजत मांगी मिलने के लिए आना है, किसी ने ना नहीं कहा। इन्नमल अमाल बिन्नियात, हर आदमी जो आता है, जो अमल करता है, वो अपनी नीयत के मुताबिक पाता है। मगर जब कोई आपके दरवाजे पर आए, आना चाहे, तो अपना दरवाजा किसी पर बंद नहीं करते। मगर दीन और फक्र की शान यह है कि वो हुक्मरानों और उमरा के दरवाजों पर न जाए। और किसी को कोई इजाजत मांगे आने से रोकना बदअखलाकी है, दीन के खिलाफ है, बदअखलाकी। कोई आए, मैंने तो आपको कल रात या परसों अखलाक के असना की मिसालें देते हुए समझाया था, परसों रात, कि कितने कुफार आए आका अलैहिस्सलाम के पास और आका ने बकरियों के दूध दो के उनको पिलाए और घर में सुलाया, और कितने दुश्मनान दीन आए और कितने 60 की तादाद में नजरान से नसारा का वफद आया। हर कोई आता था। एक मक्का से काफिर आया आका अलैहिस्सलाम के घर, उसने रात क़याम किया और उसका पेट ख़राब था, आका अलैहिस्सलाम का बिस्तर ख़राब कर दिया, उसने बिस्तर ख़राब कर दिया, और डर के मारे कि बिस्तर ख़राब कर दिया, सुबह सुबह भाग गया और अपनी तलवार छोड़ गया, ले जाना याद न रही। आगे गया तो उसे याद आया कि मैं तो तलवार भूल आया हूँ, काफिर था, अपनी तलवार लेने के लिए वापस आया, तो क्या देखता है कि आका अलैहिस्सलाम के हाथ में वो बिस्तर की चादर है जो वो गंदी कर गया था। सीदना सिद्दीक अकबर पानी गिरा रहे हैं और ताजदार कायनात दस्त मुबारक से धो रहे हैं। सीदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, आका मुझे हुक्म दे मैं धोऊं। फरमाया, नहीं, मेहमान मेरा था, तुम्हारा नहीं था, मैं धोऊं। और जब वो आया करीब तो आका ने फरमाया, अगर तुम्हें तकलीफ थी तो मुझे अगर बताया होता तो भी मैं तेरे इलाज के लिए कुछ करता। वो आका अलैहिस्सलाम का सिर्फ हुस्न अमल, हुस्न किरदार, हुस्न अखलाक देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। मैं सारी 10 रातें इस पर लगाता हूं कि गुस्सा नहीं करते, गुस्सा
कोई आए। और ये उसूल आप अपने रिश्तेदारों पर भी अपनाएं, दुनियादारों पर भी अपनाएं। रिश्तेदारों से नाराज़गी होती। मेरा एक रिश्तेदार था, मैं आपको ज़ाती बात बताता हूँ, उसने ज़िंदगी में जंग के ज़माने की बात है, मेरे साथ और हमारे घर के साथ कुछ ऐसी ज़्यादती की कि अगर कोई रिश्तेदार किसी का वो ज़्यादती करे तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, आज के ज़माने में शायद मरते दम तक भी कोई घर उसको माफ़ नहीं करेगा, ऐसी ज़्यादती की। वक्त गुजर गया, फिर मैं लाहौर मुंतकिल हो गया। उस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा उसके किसी और रिश्तेदार ने मुकदमा कर दिया, आपस में उनका झगड़ा हुआ और मुकदमाबाजी हो गई। तो वो जो उसका मुखालिफ था, उसका रिश्तेदार, वो मेरे पास यहाँ आया लाहौर। ये अब 1978-79 की बात है, 28 साल पहले। पुरानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये ऐसी नहीं है कि बस अब तबीयत ऐसी हो गई है, खुदा का शुक्र है मेरी तबीयत मेरी नौजवानी और बचपन से ही ऐसी है। 78-79 की बात बता रहा हूँ। तो उसका रिश्तेदार, जिनकी लड़ाई हुई, मुकदमा हो गया एक दूसरे पर, वो मेरे पास आया। उसका ख्याल था कि चूंकि इस शख्स ने मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बड़ी ज़्यादती की हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती, लिहाजा मुझे बड़ा गुस्सा होगा उस पर, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो मैं किसी एक SP को टेलीफोन कर दूंगा ताकि वो, पहले भी वो जेल में है, वो ताकि वो ज़मानत पे छोड़ेंगे नहीं, या मजिस्ट्रेट को फ़ोन कर दूंगा किसी को, ताकि वो कुछ मदद मुझसे मिल जाए ताकि उसको रगड़ा दे सके। वो इस तवक्को पे वो मेरे पास आया, पर चूँकि उसने मुझसे ज़्यादती की हुई है, मुझे गुस्सा होगा तो मेरी यकीनन मदद करेंगे ये उसके खिलाफ। जब वो आके उसने मुझसे बात की तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि आपने मुझे बहुत गलत समझा, उसने ज़्यादती की और मैं भूल गया, उसने ज़्यादती की और मैं भूल गया। अब मुझे उस ज़्यादती की तफसीलात तक भी याद नहीं है, पर अगर वो आज मेरे दरवाजे पर आ जाए किसी जायज़ काम में मदद मांगने और मैं उसकी मदद करने के काबिल हूँ, तो मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम मैं उसकी उसी तरह मदद कर दूँ जिस तरह किसी और साहिल की कर देता हूँ। मेरे दिल में कोई रंजिश, मलाल और गुस्सा है ही नहीं। फिर मैं किसी ज़माने जंग गया तो एक मजलिस में वो बैठा था, सब लोग मुसाफा कर रहे थे, तो वो मुझे मिलने के लिए आया, शर्माते हुए कि पता नहीं मैं हाथ मिलाऊंगा या खींच लूंगा। वो आया तो मैंने उससे मुसाफा किया, उसको थपकी दी, हाल अहवाल पूछा, खैरियत पूछी, घर बार का हाल पूछा। वो सारे अज़ा क़ारिब उसके दंग रह गए, उंगली अपने दांतों में दबा कर, चूँकि ऐसा तो रिवाज नहीं है ना दुनिया में। तो बुनियादी बात यह है कि कोई दुश्मन भी हो, वो आपके दरवाजे पर आए और आपसे मिलना चाहे, तो दुश्मन को भी आप ना नहीं कर सकते, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है। बात को समझे हैं कि नहीं? जब जिन्होंने आका को तलवारों के हिसार में लिया, आपका घर और निकाला था और हिजरत करके तशरीफ लाए थे, जब वो उनमें से जो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, वहां अल्लाह नाराज हो गया उनसे आपके इस तरह निकालने के बाद, तो कहत हो गया और लोग हड्डियां खाने लगे, चमड़े खाने लगे, बुरी हालत हो गई। तो फिर अबू सुफियान और कुछ लोग वहां आए आका की खिदमत में कि हम तो कहत में मर गए, पशेमा होकर आए। तो अर्ज किया आका के दुआ कर दें कि हमारा कहत रफ हो जाए। हुजूर ने उन दुश्मनों के लिए दुआ कर दी कि कहत खत्म कर दिया। कोई आपके पास आ जाए जिंदगी में याद रखना, किसी को अपने दरवाजे पर आने से रोकना तकब्बुर है। गरीब हो या अमीर, हाकिम हो या माकूम, दोस्त हो या दुश्मन, आपके दरवाजे पर कोई आए आप किसी को ना नहीं करना। इसको जिंदगी में उसूल बनाए। आपका अखलाक
ऐसा होना चाहिए कि हर एक के लिए दिल और दरवाजे और हाथ खुले हो। इस हुस्न खुल्क में और आली जरफी में बरकत है। हमारे पास वैसे भी क्रिश्चियन हर साल आते हैं, अब ईद आ रही है, ईद के दिन बड़े बड़े यहाँ के उनके पास्टर्स और उनके पादरी और उनके जो कौन होते हैं वो बड़े बिशप्स, वो सारे वफद अब मुलाकात करने ईद के दिन आते हैं, ईद के दिन आते हैं। और वो जब रोज़े रखते हैं तो, अब तो मैं नहीं हूँ, जब मैं यहाँ था तो वो कहते थे साल में एक रोज़ा हम आपके पास इफ्तार करने के लिए आना है। वो आए थे, उनकी नमाज इबादत का वक्त था, हमने कहा था ये हमारी मस्जिद है पढ़ लो, हमारी मस्जिद है। वो जिज के मैंने कहा नहीं, अपने मजहब के मुताबिक पढ़ लो नमाज हमारी मस्जिद में। क्यों कहा? आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया था। जब नजरान के 60 ईसाई रहबर आए तो उन्होंने अपनी इबादत करनी थी, नमाज पढ़नी थी, तो सहाबा कराम से पूछा हम नमाज कहाँ पढ़ें, वो एक दूसरे से पूछने लगे, आका अलैहिस्सलाम के पास गए। आका वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत करना चाहते हैं, वो तो खिलाफ इस्लाम तरीका है ना, क्या उनके मजहब का तरीका खिलाफ दीन है, तो कहाँ उनको इजाजत दें? फरमाया नहीं, उनको ठहराओ भी मस्जिद में और कहो हमारी मस्जिद में इजाजत है अपने मजहब के मुताबिक नमाज पढ़ लें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। और आए किस लिए थे? आकर इस्लाम से मुकाबला करने आए थे, मुबाहला करने के लिए आए थे, चैलेंज करने आए थे हुजूर को, मुनाजरा करने और मुबाहला करने आए इसलिए थे, और जानते हुए कि मुकाबले के लिए माजल्ला आए हैं, मगर आका ने मस्जिद में ठहराया। नजाशी से ईसाई लोग आए थे आका अलैहिस्सलाम से मिलने, उनको मस्जिद में ठहराया और अपने दस्त मुबारक से प्याले उठा के उनको खाना दिया। सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ईसाई लोग हैं आप तकलीफ में? फरमाया हम दे लेंगे। फरमाया नहीं, जब मेरे मेहमान गए थे नजाशी हुक्मरान के पास हबशा, तो उसने खिदमत की थी मेरे मेहमानों की, अब उसके आए हैं मेहमान तो मैं अपने हाथों से खिदमत करूंगा। दीन पे अमल करना बड़ी बड़ी मुश्किल ऊंची बात है, हमने तो अपनी ख्वाहिशात नफ्स और अपनी तबीयतों और मिजाजों को दीन बना रखा है, जो तबीयत कहे जो मिजाज कहे समझते हैं ये दीन है। नहीं, इन तबीयतों मिजाजों को कुर्बान करना चाहिए, जो अल्लाह का रसूल कहे और अल्लाह के रसूल ने जो किया वो दीन है, ऐसे ढल जाए ऐसे। और ये ढलना हर एक के लिए हो, और आगाज इसका अपने घर से करें, घर वालों से करें, रिश्तेदारों से करें। ये पहला टेस्ट है, बेहतरीन टेस्ट है। रिश्तेदारों के साथ शरीका होता है ना, गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा, गुस्सा नाराज़गी रिश्तेदारों से होती है, उनसे करें आली जरफी, पता चलेगा कि एतिकाफ से क्या लेकर आए। किसी के लिए गुस्सा ना रखें दिल में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहली बात, हमारे यहां इल्म का कल्चर खत्म हो गया है, और अल्लाह पाक ने फरमाया इल्म वाले और इल्म न रखने वाले कभी बराबर नहीं होंगे। और जो हुसूल इल्म के लिए बाहर निकलता है, दरियाओं और समुंदरों की मछलियां भी उसकी बुलंदी दरजात और बख्शिश के लिए दुआएं करती हैं, और जो इल्म की तलब के लिए निकलता है फरिश्ते जमीन पर उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। और हुज़ूर सीदना गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया और करता चला गया कि इल्म हासिल करते करते मैं मकाम कुतुब पर पहुंच गया। तो विलायत के मर्तबों में एक तरीके इल्म होता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैं
कुतुबियत के सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंचा हूं तरीके इल्म से। बोलिए तरीके इल्म से। और अंबिया का तरीका तरीके इल्म है। अंबिया का तरीका तरीके अल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। अल्लाह ने महबूब आपको इल्म दिया, बेहिसाब इल्म दिया जो पहले ना था, सारा दिया। ये कहकर फिर फरमाया अल्लाह का आप पर फजल अजीम है। तो जब हुजूर को बेहिसाब इल्म की नेमत अता की तो इल्म की नेमत को फजल अजीम कहा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया रहमान वो है जिसने इल्म दिया कुरान का, इंसान को पैदा किया तो उसको इल्म से संवारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा कराया फरिश्तों से तो पूछा कि इनकी फजीलत क्या है कि फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या, वअल्लमा अल्लमल आदमा अस्मा कुल्लहा, सब अस्मा का और उनकी सिफात का इल्म अता किया आदम को, और बवजह इल्म उनको फरिश्तों पर बरतरी अता की। और जब उन्होंने सवाल किया कि इनकी अजमत हमें दिखाई जाए तो मौजजा नहीं दिखाया। अल्लाह ताला चाहते फरमाते लो कंकरियां हाथ में पकड़ लो आदम, ये बोल पड़ेंगी। फरिश्तों को हुक्म होता देखो इसके हाथ में कंकरियां बोलती हैं। आदम को हुक्म होता कि आदम पांव मार जमीन से चश्मा फूट पड़े, देखो ये इसकी बर्तरी और अजमत है कि पांव मारा चश्मा फूट पड़ा है। कोई मोजजा जाहिर फरमा देता और हुक्म देता देखो ये इसकी बर्तरी है, मगर नहीं, किसी खारजी मोजजे के जरिए आदम अलैहिस्सलाम की बर्तरी और अजमत नहीं दिखाई। अजमत और बर्तरी जो मलाइका पे दिखाई वो इल्म की दिखाई। फरमाया अंबिउनी बे अस्मा हाउला इन कुंतुम सादिकीन, इनके नाम बता दो तुम्हें इतना इल्म है। फरिश्तों ने कहा कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। सारी दास्तान आदम अलैहिस्सलाम की इल्म के मजमून से भरी पड़ी। बारी ताला हमें इल्म नहीं है, उतना कुछ ही है जो तूने दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को फरमा, आदम अलैहिस्सलाम अब तू बता दे। जब आदम अलैहिस्सलाम का इल्म दिखा दिया तो फरमाया अब सजदा करो। फसजदुल मलाइकतु कुल्लु मजमून, सब सजदे में गिर पड़े। ये तो मैंने आपको जब पहली वही नाजिल हुई आका अलैहिस्सलाम पर गारे हिरा में, और कुरान की इब्तिदा हुई और आका अलैहिस्सलाम की बेसत की इब्तिदा हुई तो हुई इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो पहली वही का हुक्म क्या था, बोलिए पढ़ना। तो ये उम्मत जब तक पढ़ती रही हुसूल इल्म करती रही इस उम्मत को इज्जत और अजमत और बरतरी नसीब थी। जब से हमने पढ़ना छोड़ दिया इल्म से पीछे हट गए हम कमतर हो गए। और अब दुनिया इल्म जिस किस्म का हो, दुनिया का हो दीन का हो, दुनिया का हो आखिरत का हो, इल्म इल्म है, इल्म में इज्जत और बरतरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मिशन की दुनिया में इज्जत और बरतरी हो, रुफका की इज्जत और बरतरी हो, आपसे लोग मिलें और आपसे बात करें तो आपकी बात से उन्हें इल्म की खुशबू मिले, आपकी बात से उन्हें इल्म की खुशबू मिले, बोलिए उससे मिशन की इज्जत हो, नबुव्वत को इज्जत अल्लाह ने इल्म से दी, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की इज्जत अल्लाह पाक ने वो इल्म से दी, हुजूर को जाती इज्जत फजल अजीम अल्लाह ने इल्म के जरिए दिया। तो आप चाहते हैं कि इस तहरीक मिनहाजुल कुरान की दुनिया में इज्जत हो, इसके रुफका कारकुनान की इज्जत हो,
تو وہ علم کے بغیر نہیں ہوگی. تو یہ تحریک احیاء علم کی تحریک بھی ہے اور فروغ علم کی تحریک بھی ہے. بولیے, احیاء علم کی تحریک بھی اور فروغ علم کی تحریک بھی. اب دیکھیں نا, ساری ولایت کے دروازے جہاں سے کھولے تو ان کی فضیلت کیا کی؟ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ میں آپ کو فضیلت علم سمجھا رہا ہوں کہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. ہمارے اہل سنت اس فضیلت کی راہ کو چھوڑ گئے, جس کی وجہ سے مسلک کی بھی عزت کم ہو گئی, علماء کی عزت کم ہو گئی, عوام کی عزت کم ہو گئی, اور باہر والے لوگ اہل سنت کو جاہل سمجھتے. الا ماشاء اللہ, سمجھتے ہیں جاہلوں کا مسلک ہے, کان پڑوں کا مسلک ہے, کام علموں کا مسلک ہے, اس لیے کہ پڑھتے جو نہیں. آپ کو کوئی سنے تو نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے, تو حدیث تو پھر دور کی بات ہے, حدیث کس نے کیا پڑھنی ہے, نہ کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے, نہ کوئی حوالے کی بات کر سکتا ہے, اٹکل پچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. پیر لوگ بھی پڑھنا چھوڑ گئے, الا ماشاء اللہ احتیاطاً کہہ دیتا ہوں, کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اکثریت کا عالم یہ ہے, پیری فقیری, تصوف, سلوک, طریقت, گدی, تعویذ پہ چل پڑی ساری, بس تعویذ لکھا, نہ پڑھنا, نہ پڑھانا, نہ لینا, نہ دینا, نہ تصوف پڑھنا, نہ شریعت پڑھنا, نہ طریقت پڑھنا, نہ سلوک پڑھنا, نہ معرفت پڑھنا, نہ قرآن پڑھنا, نہ حدیث پڑھنا, نہ فقہ پڑھنا, بس تعویذ لکھنے, بس کام چلانا. یہ ہمارے مسلک کے ساتھ بدقسمتی ہو گئی. کوئی ایک مرض تھوڑی ہے جس کے علاج میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں, یا تو ہزار مشکلات نے گھیر رکھا ہے اور ہم ہزار محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. تحریک منہاج القرآن ایک ہزار محاذ پہ جنگ لڑ رہی ہے. کوئی ایک محاذ تھوڑا ہے. عمل بھی گیا, زہد بھی گیا, ورا بھی گئی, تقویٰ بھی گیا, پرہیزگاری بھی گئی, اخلاص بھی گئی, اخلاق بھی گیا, حسن معاملہ بھی گیا. جس سمت نظر دوڑائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. علم کی طرف دیکھیں تب اندھیرا, عمل کی طرف دیکھیں تب اندھیرا. خال خال لوگ بچ گئے جن کو اللہ نے نعمت سے سرفراز کیا تو اپنی محنت میں ہے. اگر ہمیشہ جب حال بیان ہوتا ہے تو اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے. للاکثر حکم لکل, اکثریت پر کل کا حکم ہوتا ہے. علم نہیں ہے, تقریریں سنیں اس میں علم کی بو نہیں آتی, تو لوگ کیسے مسلک کے اوپر آئے. تو یاد رکھ لیں, کسی کا بھی دنیا میں عقیدہ نہیں بچے گا اگر اس کی محنت علم پر نہیں ہوگی. ایمان نہیں بچے گا, کوئی مستقبل نہیں ہے کسی تحریک کا اگر اس کی محنت علم پر نہیں ہے. کون کرے گا؟ ہر کارکن کرے گا علم پر محنت. علم پر محنت کریں, اور یہ تحریک علم کے احیاء کی تحریک ہے. بولیے, علم کے احیاء کی تحریک. کل اسلام نے جب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند ارشاد پہ فائز کیا تو مولا علی المرتضیٰ کو ساتھ لائے, تشریف لائے, فرمایا عبد القادر آج سے واعظ شروع کر. آپ عجمی تھے, ایران سے آئے تھے. عرض کی آقا میں تو عجمی ہوں. تو یہ تو اب اہل عرب ہو گئے ہیں, عرب ہو چکے تھے بغداد کے لوگ, تو میں ان کو کیسے سناؤں؟ اور پھر میرا سینہ اتنا کھلا نہیں, اس میں علم اور معرفت اتنی کہاں ہو کہ وہ اہل علم کا بغداد علم کا گھر تھا. تو آقا علیہ السلام نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ دہن مبارک میں ڈالا. سات مرتبہ لعاب دہن پاک ڈالا. اس کے بعد فرمایا علی, وہ چونکہ شہر علم مصطفیٰ کے دروازہ ہیں, فرمایا علی تم بھی ڈالو. انہوں نے ادباً حضور کے ادب میں سات مرتبہ نہیں چھ مرتبہ ڈالا, تاکہ سات کی ادب کی برابری نہ ہو. بس آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر علم اور معرفت کے چشمے پھوٹ پڑے.
چشمے پھوٹ پڑے. پھر اس کے بعد ابلتے چشمے تھے, سمندر تھے, جو حضور غوث پاک نے پوری دنیا میں رواں کی علم و معرفت. پھر ایک ایک مجلس سے 70-70 جنازے بھی اٹھتے تھے. پھر علم کے سمندر, تو بڑے بڑے امام ابن قدامہ, امام ابن الجوزی جیسے بڑے بڑے ائمہ محدثین حضور غوث العظم کے شاگرد ہیں, آپ کی مجلس میں بیٹھ کے تلانے گائیں, جن سے آگے چل کے دو دو واسطوں سے, ایک ایک واسطے سے امام نووی جیسے ائمہ حدیث نے حدیثیں لی. اتنے بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفسر حضور غوث پاک سے پھر لیتے تھے مجالس میں. چشمے پھوٹ پڑے. محنت کریں, یہ سب آپ کی, اور اس محنت کے لیے خود ہر شخص پڑھے, کتابیں خریدیں. میں تو آپ کو, میں جب پڑھتا تھا یہاں پنجاب یونیورسٹی میں اور یہاں, تو میں تین تین دن صرف ناشتہ کرتا تھا, کھانا نہیں کھاتا تھا, اور وہ کھانے کے پیسے بھی بچا کے کتابیں خریدتا تھا اور پڑھتا تھا. حالانکہ کوئی غربت نہیں تھی, ابا جی قبلہ کی طرف سے بہت پیسے ملتے تھے اور پنجاب یونیورسٹی سے وظیفہ بھی ملتا تھا, مگر کچھ غریب طالب علم تھے میرے کلاس فیلو, ان کے پاس بیچاروں بہت غربت تھی, تو میں پیسے ان کو دے دیتا تھا, ان کے خرچے اٹھا لیتا تھا, ان کے خرچے اٹھاتا تھا. اور پھر میں نیو کیمپس سے لے کر 7 میل بنتا ہے اولڈ کیمپس مال روڈ پر, جانا اور آنا 14 میل, بس کا کرایہ بھی نہیں ادا کرتا تھا, کتابیں خرید لیتا یا پیسے اپنے غریب کلاس فیلوز پہ خرچ کر دیتا اور سائیکل چلا کے جاتا تھا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, اور پیسے بچا لیتا, یا ان بچوں پر خرچ کرتا یا کتابیں خریدتا. 14 میل روز کا سائیکل چلا کے جاتا, 14 میل, تین تین دن فاقے کرتا, صرف ناشتہ, ایک بند کھا لیتا, ایک چائے کا کپ یا لسی کا گلاس, بس, نہ دوپہر کا کھانا نہ رات کا. تین دن جب ٹانگیں تھوڑی لڑکھڑانے لگتی, تیسرے چوتھے دن تب جا کے کھانا کھاتا. اس طرح یہ 3-4-5 سال کا زمانہ لاہور کا گزارا ہے. بعد میں بھی اس طرح اتنے فاقے کیے کہ پیسے جو بچتے, روٹی کے بھی جو بچتے, اس سے بھی تاکہ علم پر خرچ کر دوں. اتنے فاقے کرنے پڑتے کہ بعض اوقات نظر آنا بند ہو جائے, ایک آدمی کی جگہ سامنے 2 بندے نظر آتے تھے. کمزوری اس انتہا کو پہنچ جاتی, اس انتہا کو, تب کچھ لقمے کھا لیتا. اور اصول علم پر مغرب عشاء سے لے کے فجر تک بیٹھا رہتا. درست العلم حتی صرت قطباً, وہ تو اونچے درجے پہنچ گئے, ہم تو ان کی خاک پہ بھی نہیں پہنچ سکتے, مگر طریق وہی رکھا ہے اپنا جو ہمارے مرشد غوث پاک کا تھا, طریق علم رکھا ہے. آج بے شمار کمزوریوں نکاحتوں کے باوجود بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, کینیڈا میں بھی زور سے لے کے فجر تک اکثر و بیشتر معمول ایسا ہوتا ہے کہ اسی طریق علم میں زہر سے فجر تک جاگتا ہوں, زہر سے فجر تک اسی علم کی تخلیق کے لیے جاگتا ہوں. کس کے لیے کرتا ہوں؟ دو ہی سبب ہو سکتے ہیں نا, یا میں کتابیں تیار کر کے بیچوں اور اس کے پیسے کماؤں, تو میں تو نہیں کمائی لیتا, میں تو کتابوں کی کمائی نہیں لیتا, تو میں پاگل ہوں, زور کا جاگا ہوا فجر تک بیٹھتا ہوں, کس کے لیے جاگتا ہوں؟ سوچے نا, نہ خود پیسے لیتا ہوں, نہ اپنی اولاد کو دیتا ہوں, نہ اپنے گھر کو دیتا ہوں, گھر والوں کو دیتا ہوں, میں تو کمائی نہیں لیتا. اور اتنی جو جان کے اوپر بیتتی ہے, کمزوری, نکاحت, تکلیف, علاج, معالجے کے باوجود ایک دھن ہے, پتہ نہیں کہ کتنی زندگی رہ گئی ہے, کام مکمل ہو جائے, بس اس لیے جاگتا ہوں. اور وہ چھپتی رہیں, اور آپ دیکھیں اور صرف لوگوں کو بتائیں, ہمارے قائد نے اتنی کتابیں لکھ دی. ادھر انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ کرنے والے, جو میرا کرنے کا کام میں کر کے بھیجتا رہتا ہوں, ادھر یہ بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, اس کو قابل اعتماد بنانے کے لیے تحقیق پر, تخریج پر, اس کی کمپوزنگ پر, اس کی پروف ریڈنگ پر, پھر وہ اگلے مرحلوں کے کام ہوتے ہیں, وہ کتاب جب اعتماد کے مرحلے تک پہنچانے میں وہ کرتے ہیں.
इतनी जाने सर्फ होती हैं, तो आप उनको अगर पढ़े ही ना तो क्या हासिल हुआ। लिहाजा इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना कल्चर, इस कल्चर को जिंदा करना है तहरीके मिनहाजुल कुरान ने, इल्म के कल्चर को। आप में से हर शख्स का घर एक लाइब्रेरी बन जाए, भर जाए, कोई किताब समझ आती है या नहीं अरबी की है वो भी ले जाए, कोई तो मोहल्ले में मिल जाएगा अरबी समझने वाला, उसको पढ़ा दें। अगर हर किताब का तर्जमा साथ है, उर्दू वाली वैसे उर्दू में है, इंग्लिश में है, जो अरबी में जितनी किताबें लिखी हैं अहदीसे पाक में सबके तर्जमे हैं, अभी कुछ थोड़ी आई हैं सिर्फ अरबी में, उनके भी तर्जमे आ जाएंगे, ले जाएं, उलमा को दे दें, तोहफा दे दें। मगर हर एक का घर लाइब्रेरी हो किताबों की और कैसेटों और सीडीज की खिताबात की, लोगों को दें, इल्म के कल्चर को जिंदा करें अपने घर में, अपनी औलाद में। दूसरों के छोटे छोटे बच्चे अकीदे मसलक को जानते हैं, तेज होते हैं। अहले सुन्नत के बच्चे अलिफ बे जीम नहीं जानते अकीदे की, पांच मिनट में दूसरा चाहे तो बद अकीदा कर दे आपके बच्चों को। एक घंटा कोई दूसरा नशिस्त कर ले आपके बच्चों के अकीदे मुतजलजल कर दे, इसलिए कि बुनियाद ही कोई नहीं सिरे से। और बदनसीबी की इंतहा के उस जगह मुनसलिक हैं जहां से समंदर बह रहे हैं, चश्मे बह रहे हैं, नहरें रवा हैं, और कहां कहां का फैज इस खातिर आ रहा है, आप उसमें हाथ भी ना धोएं, गुस्ल भी ना करें, तो क्या हासिल किया। और ये सारा इल्म इतना बाबरकत जो आका है दो जहां का, कि फके फैज का इल्म है, हुजूर गौसे पाक के फैज का इल्म है, खुलफाए राशिदीन के फैज का इल्म है, उम्मुल मोमिनीन के फैज का इल्म है, मौला अली शेर खुदा के फैज का इल्म है, इमाम हसन और इमाम हुसैन के फैज का इल्म है। पता नहीं कितने 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 इसमें दाखिल हैं। हुजूर दादा गंज बख्श के फैज का इल्म है, हुजूर ख्वाजा अजमेर का इसके अंदर फैज है, हुजूर कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का मैं क्या क्या बैठ के बताऊंगा, कितनों के हिस्से शामिल हैं इसमें, इतना बाबरकत। ये अल्लाह ने आपको हिस्सा दिया है, लेकिन आप इल्म के जैवर से आरास्ता नहीं होते। लिहाजा आप एक तो अहद करें आज के बाद, मैंने आपको बता दिया ये तहरीक इल्म को जिंदा करने की तहरीक है, दीन के हिया और तजदीद की तहरीक है, तरीके इल्म है इस तहरीक का, रास्ता क्या है, तरीके इल्म है, फिर इश्क इलाही और मोहब्बत इलाही और ताल्लुक बिल्ला और ताल्लुक बे रसूल सारा इस तरीके इल्म से आता है। लिहाजा सब किताबें खरीद डालें, ले जाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, फैलाएं, खुद मुताला करें, याद करें किताबें। कोई आपसे बात करे तो आप इल्म के साथ बात करें। एक बात पूरी हो गई जी, दूसरा गोशा दरूद शरीफ, दूसरी वो नेमत अता की आका अलैहिस्सलाम ने, वो नेमत अता की पूरी दुनिया में रूए जमीन पर कोई ऐसा गोशा जहां 24 घंटे आका की बारगाह में दुरूद पड़ा जाए। यह अमल मलाइका का है जो आका के दरबार में आते हैं, इंसानी कायनात में मेरे इल्म में नहीं है। ऐसे लोग होंगे जो सारा 24 घंटे हुजूर पे दुरूद पढ़ने वाले, मगर इसकी कोई जमात कोई तहरीक एहतमाम करे और इस नज्म के साथ 24 घंटे तसलसल से इज्तिमाई दरूद पढ़ा जाए, आपके नॉलेज में कोई जगह है? ये आपने कोई कमाल कर दिया है? नहीं, ये आका अलैहिस्सलाम ने एक और करम फरमाया है, ये उनका करम है कि चुन लिया है तहरीके मिनहाजुल कुरान को कि गोशा बनाओ जिसमें 24 घंटे मुझ पर दरूद पढ़ा जाए। अल्लाह ने चुन लिया है, अल्लाह की सुन्नत है। ये दूसरा एहसान, पहला एहसान है इल्म, पहला एहसान है इल्म और मारिफत। इसके बाद हाजत नहीं रहनी चाहिए कि आप में से हर शख्स तौफीक अल्लाह जितनी दे हुसूल इल्म करे, हुसूल इल्म करे, किताबें लें, कुरान पढ़ना सीखें, सेहत के साथ सीखें, तफसीर पढ़ें, किताबें पढ़ें, तमाम चीज़ें पढ़ें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा साहिब इल्म करें। बात हो गई। दूसरी नेमत जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई
वो इस तहरीक को अपने ऊपर दरूद व सलाम 24 घंटे भेजे जाने का उम्मत के अंदर इस जमाने में इस तहरीक को यह वसीला बनाया, इस तहरीक पे कर्म किया। 24 घंटे दरूद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ा जाता है। ये मेरी किताब है हुस्ने आमाल। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पिछली सदी के अजीम मुहद्दिस इमाम हदीस हुए। इनके विसाल को लगभग 80 बरस हो गए। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी आला हजरत के हम जमाना हैं। इमाम नबहानी ने अपनी किताब सआदतुद्दारैन में रिवायत किया है, ये जो आपको बता रहा हूं इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप सोए और आपने ख्वाब देखा कि एक तख्त बिछा हुआ है, तख्त, उस तख्त पर एक हसीन और जमील लड़की बैठी है। इमाम हसन बसरी ने देखा कि तख्त पर नूरानी तख्त है, हसीन और जमील लड़की बैठी है, उसके सर पर नूर का ताज है, और उसने पूछा इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि इमाम हसन बसरी से हजरत आप मुझे पहचानते हैं? आपने फरमाया नहीं पहचाना, तू कौन है? उसने जवाब दिया मैं उसी औरत की लड़की हूं जिसको आपने हर वक्त हुजूर पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था। मैं तो नहीं पढ़ सकी, मैं तो जवानी में छोटी उम्र में फौत हो गई जवानी में, मगर मेरी माँ आपके पास आई थी और आई और उसने वजीफा पूछा, आपने फरमाया हर वक्त हुजूर पर दरूद पढ़ा करो, मैं उसकी बेटी हूं। आप फरमाने लगे अच्छा अगर तू उसकी बेटी है तो तेरी माँ मेरे पास परेशान आई थी, उसने तुम्हें ख्वाब में देखा था मगर अच्छी हालत में नहीं देखा था, तुम्हारी माँ ने अपना ख्वाब मुझे सुनाया था कि मैंने अपनी बेटी को अच्छी हालत में ख्वाब के अंदर नहीं देखा, परेशान आई थी, आज तो तू बड़ी अच्छी हालत में है, तेरे सर पे नूर का ताज है और तख्त पर बैठी है, ये फर्क कैसे आ गया तेरी हालत में? तेरी माँ ने तुझे बुरे हाल में देखा और मैं तुझे अपने ख्वाब में तख्त पर नूर के ताज में देख रहा हूं, इसकी वजह क्या है? फरमाया हजरत मेरी माँ ने सही देखा, मेरा हाल वही था, मेरा हाल वही था जो मेरी वालदा ने आपको बताया, मगर क्या हुआ, एक मर्द सालेह अल्लाह का एक नेक मुकर्रब बंदा पाकीज़ा बंदा कब्रिस्तान से गुजरा, 70,000 कब्रें थी, क्या 70,000 कब्रें थी, थोड़ा ज्यादा किसी पर छोड़ा छोटे मोटे गुनाहों का अजाब, बुरी हालत थी, थोड़ी मोटी तकलीफ में थी, 70,000 कब्रों वाले, वो शख्स हर वक्त दरूद पढ़ने वाला था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ता हुआ गुजर गया और जब कब्रिस्तान से गुजरा उसने अर्ज किया बारी ताला जी जो दरूद पाक मैंने पढ़ा है इस सारे कब्रिस्तान वालों की रूहों को सवाब दो, उसके दरूद के सबब से 70,000 आदमी छोटे मोटे गुनाहों के अजाब में मुबतला थे सारे बख्शे गए, और मुझे ये ताज वो गुनाहों से बख्शिश हो गई और मेरे माँ के दरूद से और उस दरूद की बरकत से मुझे रब ने तख्त पर बिठा के नूरानी ताज अता कर दिया है। तो इस दरूद पाक के पढ़ने से न सिर्फ आप, आपकी नस्लों की बख्शिश का भी सामान हो जाएगा और अजाब कब्र से दरूद निजात अता करेगा। एक बुजुर्ग मोहम्मद बिन सईद गुजरे हैं, ये भी इमाम नबहानी ने इसको बयान किया सआदतुद्दारैन किताब में। फरमाने लगे वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर ये तय किया हुआ था कि हर रोज इस कदर दरूद शरीफ पढ़ के सोऊंगा, कभी नागा नहीं करते थे वो बुजुर्ग, एक मुकर्रर तदाद दरूद पाक की रोजाना पढ़ के सोते।
अब वो बयान करते हैं कि मैं एक रोज़ अपने बाला खाना में दरूद पाक पढ़ कर बैठा था और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। मेरी बीवी सोई हुई थी, मेरी आंख लगी दरूद पाक पढ़ते हुए, देखा अचानक कि आका दो जहां घर के बाला खाना में तशरीफ ले आए हैं और सारा बाला खाना जगमगा उठा है, नूर ही नूर हो गया है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब तशरीफ लाए और फरमाया मेरे प्यारे उम्मती, अपना मुंह मेरे करीब कर, चेहरा जिससे तू मुझ पर रात दिन दरूद पढ़ता है। मैं परेशान हो गया कि आका क्या फरमाना चाहते हैं। मुझे फरमाया कि अपना चेहरा मेरे करीब कर, मैं तुम्हारे मुंह को बोसा लेना चाहता हूं जिससे तू रात दिन मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं चूमना चाहता हूं आका अलैहिस्सलाम। मुझे ये सोचकर चिरिस्पत खाक राब आलम पाक, मुझे शर्म आ गई कि मैं अपना चेहरा कैसे आगे करूं कि आका बोसा लें। तो इस शर्म के मारे हुजूर का हुक्म भी था, मैंने अपना चेहरा इस तरफ कर लिया, हुजूर के करीब तो हुआ करीब मगर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मेरे रुखसार पर बोसा लिया और फरमाया ये सिला है हर वक्त मुझ पर दरूद पढ़ने का। और कहा कि आका के बोसा लेने से कस्तूरी की खुशबू सारी फैल गई। वाकया ख्वाब का था और मैं ख्वाब में कस्तूरी की महक सूंघ रहा हूं। ख्वाब का वाकया है, अचानक मेरी बीवी जो सोई हुई थी उठ के आ गई और कहने लगी, बेदार हो गई और उसने कहा कि ये कस्तूरी की महक सारे घर से कैसे आ रही है। सारा घर खुशबू से महक उठा। मैंने कहा, वो मेरे करीब आई तो उसने देखा कि मेरे रुखसार से खुशबू की महक निकल रही थी, क्योंकि आका लबाने अपने प्यारे लबों से बोसा लेके गए थे और ये बोसा दरूद पाक के सदके से लिया गया। इसलिए आपको इस पूरे एतिकाफ में दरूद का वजीफा दिया है ना, दरूद पाक का, समझे हैं आप। आखिरी एक बात कहता हूं, हजरत अबू बकर शिबली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका तज़किरा आप सुन चुके, वो बयान फरमाते हैं कि मेरा एक हमसाया फौत हो गया और मैंने उसको ख्वाब में देखा। ये सब बुजुर्ग, सब औलिया अपने ख्वाब, दूसरों के ख्वाब बयान करते थे, लेकिन लोग ईमान वाले थे। हजरत शिबली फरमाते हैं, हमसाया फौत हो गया, मैंने उसे ख्वाब में देखा। ये भी इमाम नबहानी ने रिवायत किया। और मैंने पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उसने जवाब दिया, हजरत आप क्या पूछते हैं, बड़े बड़े खौफनाक मंजर मेरे सामने आए, बड़ी परेशानी में गिर गया, कब्र में पहुंचा, मुनकिर नकीर आ गए, उन्होंने सवालात शुरू किए और मुझे जवाब नहीं आया, कब्र में जवाब नहीं आया। एक अजीब खतरनाक और दुश्वार मंजर था और घड़ी थी और परेशान था कि अभी गुर्ज बरसेंगे और अजाब का आगाज हो जाएगा। मर रब्बों का, तेरा रब कौन है, जवाब नहीं। मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, जवाब नहीं। ये हस्ती कौन है, जवाब नहीं आ रहा। मैं सोच में ये पड़ा कि खात्मा तो मेरा ईमान पर हुआ था, अब ईमान कैसे खत्म हो गया। खात्मा तो ईमान पर था, अब कब्र में आकर ईमान का खात्मा कैसे हो गया। इस परेशानी में था और जुबान मेरी बेकार हो गई थी और मैं थर थर कांप रहा था कि अजाब से और उस मुसीबत से, और फरिश्तों ने गुर्ज उठा लिए और मुझे मारने का इरादा किया। जब गुर्ज फरिश्तों ने अजाब के उठाए, अचानक एक हसीन और जमील नूर का पैकर एक इंसान मेरे सामने
آ گیا اور میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو گیا اور فرشتوں کو روک لیا, گرزوں سے عذاب دینے سے روک لیا, اور اس کے جسم سے خوشبو کی مہک نکلنے لگی, اور اس نے مجھ سے کہا, فرشتے پوچھتے جا رہے تھے بتا مر ربو کا, مجھے جواب نہیں آتا, اس نے کہا ان کو جواب دے, اس نوری انسان نے کہا ان کو کہا میرا رب اللہ ہے, اس نے بتایا میں نے جواب دیا, انہوں نے پھر پوچھا تیرا دین کیا ہے, اس نور کے پیکر نے کہا ان کو بتا میرا دین اسلام ہے, میں نے جواب دیا, فرشتوں نے تیسرا سوال کیا, اس نے کہا نوری پیکر نے کہا کہہ دے یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جواب دے دیے, کامیاب ہو گیا, فرشتوں نے گرز نیچے رکھ دیے اور میری بخشش کا مجدہ سنا کے چلے گئے. میں نے اس نور کے پیکر حسین و جمیل جواب سے پوچھا, اس انسان سے پوچھا, وہ جانے لگا, پوچھا کہ اے میرے محسن مجھے عذاب سے بچانے والے اتنا تو بتا جا کہ تو کون ہے, تو کون ہے جو اس مشکل اذیت ناک گھڑی میں میری مدد کو پہنچا اور مجھے اٹھائے ہوئے فرشتوں کے گرزوں کے عذاب سے نجات دلا دی. وہ جاتے ہوئے مسکرا کے کہہ گیا کہ میں تیرا پڑا ہوا وہ درود ہوں جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں تو عمر بھر پڑا کرتا تھا, بس میں درود ہوں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو انسانی صورت میں جا آج اس کو بچا دے, میں درود ہوں جو آقا پہ پڑا گیا, اور تو اب جاتے ہوئے وہ خوشخبری سنا گیا, فکر نہ کر اب میں قبر میں ہی رہوں گا قیامت تک, تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, قبر میں بھی رہوں گا, حشر میں بھی تیرے ساتھ اٹھوں گا, پل صراط میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا, اور جنت میں جانے تک تیرا مددگار بن کے رہوں گا. اب بولیے اس عظیم کام کا گوشہ قائم کیا ہے اور ابھی تک تھوڑے نام آئے ہیں, وہ جو نام لکھواتے ہیں نا آپ, 10 دن کے لیے رجسٹریشن تھوڑی آئی ہے, اب اس کے بعد آپ میں سے کوئی رہے گا چاہتا ہے جو بچ جائے اور اس آئندہ آنے والے سال میں 10 دن کے لیے گوشہ درود میں درود پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کرے, کون کرے گا 10 دن کے لیے وقف درود پاک کے لیے, اپنے نام لکھوائیں گے, لکھوائیں گے, بس آج رات سے درخواستیں نام پتے مہینہ سب کچھ مکمل تفصیل ان کو دے دیں تاکہ آپ کے نام ترتیب ہو جائیں. معلوم نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے, مگر لسٹ میں نام اگر آپ کا آ گیا کہ یہ نیت ہے کہ فلاں مہینے کے 10 دن درود کے لیے گوشہ درود میں آؤں گا, اگر زندگی نے ساتھ نہ بھی دیا تو لسٹ کام آئے گی قبر میں انشاءاللہ, یہ لکھا ہوا نام یاد آ جائے گا قبر میں. اور جب گوشہ درود میں آئیں, چونکہ تاجدار کائنات کی بارگاہ کا درود ہے اور یہ درود حضور علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں اور فرشتے بھی لے کر آقا کی بارگاہ میں رجسٹر پیش ہوتے ہیں, جب درود پڑھیں گوشہ درود میں سراپا ادب بن کے پڑھا کریں, ادب بن کے پڑھا کریں, اس وقت نہ موبائل آن ہونا چاہیے, رابطہ ایک ہی رہے, ادھر موبائل کا رابطہ ہو تو پھر گنبد خضرا سے رابطہ کیسے ہوگا. جب گوشہ درود کے 8 گھنٹے جو ڈیوٹی ہے, جب 8 گھنٹوں کے لیے آئیں موبائل یا تو کمرے میں رکھ کر آئیں, بیڈ پر بہتر ہے, اپنے اٹیچی کیس میں رکھ کے آئیں یا آف کر کے آئیں, ان 8 گھنٹوں میں موبائل نہیں چلنا چاہیے, ایک ہی موبائل ہو درود کا مدینہ تک, اور باقی گورکھ دھندوں سے آزاد ہو کر صرف ایک ہی دھیان حضور کی ذات پاک کا اور درود کا دھیان رکھیں 8 گھنٹے, باقی وقت میں بھی دنیاوی چیزوں سے حتی الوسع گریز کریں, حتی الوسع گریز کریں. تو یہ گوشہ درود کی بات تھی. تیسری بات جو اہم اور آخری بات وہ رفاقت کی, رفاقت
एक संगत है, रफाकत एक संगत है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं अल अनवार अल कुदसिया में, अपने शेख की बात लिख के फरमाते हैं कि मैंने उनके साथ निस्बत कायम की, उन्होंने आगे उनसे, और उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक में अपना हाथ दिया ख्वाब रूहानी तौर पर। और उसके बाद लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आका अलैहिस्सलाम से इस तरीक पर जो है ताल्लुक दो वास्तों के जरिए हो गया। ये इमाम जलालुद्दीन सियूती, इमाम अब्दुल वहाब शारानी, बड़े बड़े अकाबिर आइमा मुहद्दिसीन औलिया इस तरह बतरीके मनाम भी तज़किरे करते हैं। तो बस आप इसकी रफाकत में देर न करें, कोई शख्स रफाकत में न रहे, और रफाकत कटे नहीं, ये पितंग की डोर है, कट गई तो पितंग गया, डिफाल्टर ना हो, पितंग कटे नहीं, बस जुड़ा रहे। और ये इंशाअल्लाह फिर अगले वक्त मौत और उसके बाद क़यामत के दिन तक उनकी संगतें सारी असल तो वहीं काम आनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पे करम फरमाए, और दावत के फरोग पर वफादारी, रफाकत में वफादारी ये है, जिस मिशन की रफाकत ली उसकी दावत के फरोग पर मेहनत करें, बजरिया कैसेट उसके दावत के फरोग पर मेहनत करें, ये रफाकत के सच्चे होने का सबूत है। दावत को फरोग देंगे तो ये रफाकत की सच्चाई का सबूत है। हर शख्स दावत को फरोग देने में किरदार अदा करे, और बजरिया कैसेट अपने दावत को फरोग दे। वमा अलैना इल्लल बला। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।